listen carefully, bros. This is the revolution. A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition, but some say a growing obsession with body image is dangerous. So, ये कहानी है एक ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर की जिसने ना सिर्फ लाखों को फिटनेस के लिए इंस्पायर किया बट ही वाज आल्सो वन ऑफ देम जिन्होंने एस्थेटिक मूवमेंट की शुरुआत की। अजीज श्रीवासन हाई स्कूल में एक बहुत ही दुबला पतला लड़का था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी क्योंकि दुबलेपन के कारण उनका बहुत ही मजाक उड़ाया जाता था। ही जस्ट लूज हिज कॉन्फिडेंस। और दोस्तों यही चीज जीज को लेके गई जिम के अंदर और कुछ ही सालों के बाद ही डिड रिमार्केबल मसल ग्रोथ। अप्रोक्स 50 lbs मसल मास उन्होंने अपने फ्रेम के अंदर एड ऑन किया। जबकि अगर आप जीज का प्री ट्रांसफॉर्मेशन फिजिक देखें तो दोस्तों ही इज द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड गेनर एंड एन एक्टोमॉर्फ एंड यू कैन सी दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एक्टोमॉर्फ नेचुरली। खैर जिस जमाने में इंडिया के अंदर यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, फेसबुक को लोग सिर्फ जानने लगे थे, ही बिकेम वेरी पॉपुलर ऑन इंटरनेट। और दोस्तों इस पॉपुलरिटी का कारण सिर्फ उनका फिजिक नहीं था बल्कि इसका कारण था उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। ही वॉज सुपर एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस एंड जिस तरीके से वो दूसरों को मोटिवेट किया करते थे वो कमाल था दोस्तों। वो बॉडी बिल्डिंग फॉर्म्स पर काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। एक बार की बात है एक 14 साल के लड़के को कुछ हेट कमेंट्स मिल रहे थे सो जिज ने उन्हें डिफेंड करते हुए लिखा ही इज 14 कट हिम सम स्लैक ऑसम वर्क इफ यू कीप इट अप बाय द टाइम यू विल बी 18 एंड यू विल बी ए एफिंग यूनिट। सो इस तरीके से वो सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को इंस्पायर करते थे और फाइनली उनकी इस जबरदस्त पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें एक रियलिटी शो भी मिला जिसका नाम था नेशनल रोड ट्रिप और इससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ी। इसके बाद जीज ने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया जिसके अंदर उन्होंने सप्लीमेंट सीरीज लॉन्च की, इवन एक क्लॉथ लाइन भी उन्होंने लॉन्च की और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था जीज बॉडी बिल्डिंग बाइबल जो आज भी अमेजोन पर उपलब्ध है, काफ़ी पॉपुलर भी है। सो यहाँ तक देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा था और कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज को छोड़ दें तो जीज की लाइफ सेट ही थी, अच्छी चल रही थी, फाइनेंशियली भी वो ग्रो कर रहे थे। और दोस्तों जीज एल्कोहलिक तो नहीं थे बट एक बार उन्होंने ओपनली सोशल मीडिया फॉर्म्स पर लिखा यू आर यंग एंड ड्रग्स आर ऑसम। और दोस्तों ये उन्होंने कोकीन के संदर्भ में लिखा था जो उनके कुछ फैंस को पसंद नहीं आया, बहुत निराशाजनक था कुछ लोगों के लिए ये। सो वक्त गुजरता गया दोस्तों और साल आया 2011 और एंड ही अपडेटेड ऑन फेसबुक दैट ही इज ऑन द ट्रिप ऑफ थाईलैंड। वो थाईलैंड के ट्रिप पे थे बट सडनली नेक्स्ट डे देयर वाज ए न्यूज ऑन नेशनल टेलीविजन यस ही इज गॉन ओनली एट द एज ऑफ 22 रीजन कॉन्जिटल हार्ट डिजीज जिसकी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। जनरली देखा जाए तो 22 इज द नॉट एज ऑफ हार्ट इश्यू, इस उम्र में हार्ट इश्यू नहीं होते हैं जनरली। दैट्स वाई उनकी जो डेथ का मेन रीजन था वो था अनडायग्नोस्ड कॉन्जिटल हार्ट डिजीज। दोस्तों ये एक प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट होता है और ऑन एवरेज ये 100 में से किसी एक को होता है एंड सॉरी टू से जीज वाज वन ऑफ देम। और ये बीमारी या तो दोस्तों हार्ट के वाल्व्स में होती है या फिर दिल के बीच जो सेपरेटर वॉल होती है, जो सेपरेटर मसल्स होती हैं तो उसके बीच में एक छेद हो जाता है और ये छेद दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ा होता जाता है। रिजल्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट रेट और ब्रीथिंग शॉर्टनेस जैसी सिम्टम्स दिखाई देती हैं। तो क्या दोस्तों ये कहा जा सकता है कि स्टेरॉइड्स ने जीज को नहीं मारा? क्योंकि ये चीज तो साफ है कि उन्होंने काफ़ी मात्रा में ओवर द टाइम ट्रेनबोलन और क्लीन पेट्रोल का यूज किया था। तो देखो दोस्तों ये कह सकते हैं कि स्टेरॉइड्स ने उन्हें नहीं मारा क्योंकि उन्हें जेनेटिकली हेल्थ इश्यूज थे, हार्ट इश्यूज थे। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे कही जा सकती है कि जो उनकी मौत 22 साल में हुई है दोस्तों ये शायद 30 या 35 साल में होती अगर वो स्टेरॉइड्स पर नहीं जाते, स्टेरॉइड्स नहीं लेते। क्योंकि दोस्तों स्टेरॉइड सिर्फ आपकी मसल्स को मैच्योर नहीं करती, वो रैपिडली मसल ग्रोथ नहीं करती, बल्कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, खासतौर से आप जेनेटिकली प्री एक्सपोज हो किसी बीमारी के लिए, तो वो भी मच्योर होती है, वो बीमारी भी ग्रो करती है दोस्तों उसी रैपिड स्पीड से जिस तरीके से आप मसल्स गेन करते हो। सो दोस्तों हाँ ये कहा जा सकता है कि शायद 5-10 साल वो ज़्यादा जीते अगर वो स्टेरॉइड्स पर नहीं जाते और अगर अपना ट्रीटमेंट वो लेते तो शायद कुछ और दिन तक वो हम सब के बीच रहते। लेकिन जितना भी जिए वो अच्छे से जिए, बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने जी, चाहे वो छोटी लाइफ थी बट बहुत अच्छी लाइफ थी। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि लेसन यही निकल के आता है कि प्लीज़ डोंट गो फॉर स्टेरॉइड्स। दोस्तों अगर मैं सही कहूँ तो इंडिया में आज इतना बुरा हाल है कि लगभग 10 में से 8 युवा यंगस्टर्स
किसी ना किसी फॉर्म में स्टेरॉइड्स लेते हैं, दैट कैन बी इंजेक्टेबल, दैट कैन बी ओरल और क्रीम। और हद तो यह है दोस्तों कि लड़के इन्हें लेते हैं और उनको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स भी शो करती है और लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, और ऊपर से बात यही नहीं रुकती, वो डोज भी जारी रखते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि कोई इंडियन बॉडी बिल्डर थे दहिया दहिया करके, अभी एक दो दिन पहले की बात है, तो उन्हें हार्ट अटैक आया और वो खुद ही गाड़ी चलाकर लेके गए हॉस्पिटल, बट डॉक्टर उन्हें फिर भी बचा नहीं पाए दोस्तों, और इतना बुरा हाल है। और रही बात चेकअप्स की, तो इंडिया में दोस्तों कोई चेकअप नहीं कराता, किसी के पास बजट भी नहीं है हकीकत में। अगर मैं कहूँ तो दोस्तों 10-15 हज़ार का पूरा बजट लड़के लेके चलते हैं आज के टाइम पे, और अगर अच्छे से आप टेस्ट वगैरह करवाओगे तो 25-30 हज़ार के तो टेस्ट ही हो जाते हैं, तो टेस्टों के झंझट में वैसे भी कोई पढ़ना नहीं चाहता, दूसरा पैसे भी नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आज के यंगस्टर्स इस रिस्क को लेते हैं जस्ट टू गेन सम मसल्स। और दोस्तों कमाल की बात तो ये कि आज के टाइम पे जो मोटिवेशन है ना यंगस्टर्स का खासतौर से, वो फिटनेस नहीं है उनके लिए, मोटिवेशन है उनकी कुछ टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शन और इवन कुछ पाउडर्स। बट सॉरी टू से, ये चीज़ें आपको शायद कुछ मसल्स गेन करवा दें, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर हेल्थ। और ये दोस्तों कब तक करोगे, कब तक आप इंजेक्शंस लगाओगे, कब तक आप ओरल स्टेरॉइड्स लोगे, या कब तक आप इन पाउडर्स को खाओगे? चलो ठीक है, पाउडर्स तक ठीक है इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली और आपके पास कोई सॉलिड बैकअप नहीं है अपनी लाइफ में, देन आई विल से वर्कआउट करो, बहुत अच्छी बात है, वर्कआउट करना भी चाहिए, डू कार्डियो, ईट गुड, ईट क्लीन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बट इफ यू डोंट हैव एनी बजट और फिर भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, दैट कैन बी डिस्टर्बिंग फॉर यू इन अपकमिंग डेज ऑफ योर लाइफ। और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आपको होते हैं तो वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, वो आपसे जुड़े हुए बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेंगे। सो मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।